नमस्ते। प्लानिंग के बाद आगे का काम होता है एग्जीक्यूशन। बहुत बार लोग अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के लिए बहुत सारा वर्क दे देते हैं, उनका टाइम टेबल रेडी है, सिर्फ काम करने की देरी है, लेकिन वो काम कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें रुकावटें आती है। तो दोस्तों, एग्जीक्यूशन विदाउट प्लान एंड प्लानिंग विदाउट एग्जीक्यूशन कुछ काम का नहीं है। आप प्लान कर रहे हो लेकिन उसको अमल में नहीं ला रहे हो, या अमल कर रहे हो लेकिन आपके पास प्लानिंग नहीं है, दोनों ही आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो दोस्तों, प्लानिंग तो करो ही, लेकिन उसमें एग्जीक्यूशन करो। हर रोज उसका फीडबैक लेते रहो कि आज मैंने इतनी पढ़ाई करने की प्लानिंग की थी, मेरी उतनी पढ़ाई आज हो रही है क्या, मेरी लर्निंग हो रही है क्या, मैथ्स के सम्स हो रहे हैं क्या। अगर नहीं हो रहे तो अगले दिन आपको थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर एक आध दिन कोई आप पढ़ाई नहीं करते हो तो खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालिए कि सेकेंड डे में डबल पढ़ाई करूँगा। अगर आप लगातार काम करते हो तो एग्ज़ाम पीरियड में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप हर रोज़ रिविज़न कर रहे हो। और हर रोज़ जब जब हम लोग रिविज़न करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमारे दिमाग को उसकी आदत हो जाती है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं, और फिर एग्ज़ाम में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होने दो, उसके आंसर्स आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हो, आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आप खुश भी रहोगे। तो दोस्तों, एग्जीक्यूशन एक्शन लेना आज से ही स्टार्ट कीजिए। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के हर रोज़ आपसे ऐसे वीडियो लेके जुड़ते रहूँगा। अगर आपको आपके स्टडी से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।